अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि YouTube की SEO कैसे करते हैं, इससे आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो चले चल के सीखते हैं कि SEO कैसे करते हैं। YouTube की SEO के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे वो है TubeBuddy, जिसका हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। पेड की हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा फ्री से ही काम चल जाएगा। ये सारे जो टूल TubeBuddy है उसकी सारी डिटेल है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फ्री वर्जन हमने इंस्टॉल करना है। आपने सिंपली इंस्टॉल फ्री नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें होगा कि TubeBuddy, कि ये आगे लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, क्योंकि ये एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ होगी। तो जब हम ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये एज अ एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी फ्री। ऐड एक्सटेंशन, एंड ये देखिए साइड पे हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। हमारी TubeBuddy तो इंस्टॉल हो गई है, अब हमने इस पे सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट वही, मतलब YouTube चैनल जो है वो अपना, उसका लिंक जो है, उसकी जो Gmail है वो हमने यहाँ पर ऐड करनी है। इसके नीचे मेथड बताए हुए हैं कैसे क्या करना है। पर आपने सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछे, और यहाँ पर आपने साइन इन विद गूगल करना है। फिर आपने अपनी जीमेल ऐड करनी है, जो भी आपके चैनल की। जैसे ही आप अपनी जीमेल को साइन इन करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें ये देखें हमारा चैनल जो है वो ऐड हो चुका है। आप एक से ज़्यादा भी चैनल इसमें ऐड कर सकते हैं, एक ही एक्सटेंशन में आप एक से ज़्यादा चैनल ऐड कर सकते हैं। देखिए साइड पे ऑप्शन है ऐड चैनल का, फ़िलहाल मेरा चैनल ऐड हो चुका है डेली अपडेट। तो और मैं अब अपना यूट्यूब ओपन करती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो की SEO करनी है। तो अब हम अपनी वीडियो की SEO पे फोकस करेंगे। सिंपल आप अपने चैनल पे जाएंगे और अपनी जो वीडियो आप जिसकी SEO करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे। जैसे ही आपने अपनी वीडियो ओपन की है तो ये साथ एक डैशबोर्ड सा शो हो रहा है। इसमें सेकंड रो में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है SEO स्कोर, जो कि हमारा फ़िलहाल 0 है। और हमने कोशिश ये करनी है कि ये 80 क्रॉस कर जाए, 100 तक हो जाए। जैसे आप इसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो ये नीचे सजेशन दे रहा है कि टैग्स इन टाइटल, टैग्स इन डिस्क्रिप्शन, टोटल वर्ड्स, मतलब मार्क्स दे रहा है। फिलहाल हमारा क्योंकि SEO 0 है, सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो डिस्क्रिप्शन और टैग्स और टाइटल हैं वो क्या करेंगे, एडिट करेंगे। हम डिटेल में जाएंगे, हमने डिस्क्रिप्शन दी नहीं हुई, इस वजह से वहाँ पे 0 शो हो रहा था। डिस्क्रिप्शंस और टैग्स में हमने कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। कीवर्ड यूज़ करने के लिए हम लोग गूगल पर ही एक और एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ keywordtool.io। उससे क्या होता है, जो बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं
और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ वो कीवर्ड टूल है। इससे क्या होता है, आप बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी वीडियो के हिसाब से जो है कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि मेरी वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड है, न्यू ईयर एडिटिंग के रिलेटेड है, तो मैं सबसे पहले जो कीवर्ड सेलेक्ट करूंगी वो है न्यू ईयर। जैसे मैंने न्यू ईयर टाइप किया, उसने मुझे डिफरेंट कीवर्ड शो किए। कोशिश ये करनी है जो पहले 10 ये पहले 12 जो कीवर्ड्स हैं उनमें से ही आप अपने कीवर्ड सेलेक्ट करें। ये कोशिश करें वो पहले 10 के 10 ही जो कीवर्ड्स हैं वो ही सिलेक्ट कर लें। आप सिंपली उन पे टिक करते जाएं जो जो आपको कीवर्ड अच्छा लग रहा है। जैसे ही आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, ये कॉर्नर पे कॉपी एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। एक नोट पैड ओपन कर लें इजी अपने आसानी के लिए, वहाँ पर पेस्ट कर दें ताकि आप एक एक दफ़ा बार बार आपको ना जाना पड़े, डायरेक्ट ही आप कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद हमारे न्यू ईयर के बाद हमारी जो नेक्स्ट वर्ड था वो है एडिटिंग। तो एडिटिंग के रिलेटेड जो आपको कीवर्ड्स मिले आप उसको भी कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके नोट पैड पर एक्सपोर्ट कर दें, यानी पेस्ट कर दे। इसी तरह आप बाकी का सारा हम लोग करेंगे, बाकी के सारे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे जो जो को आपको लगता है कि आपकी वीडियो के रिलेटेड है और ये ज़्यादा सर्च होते हैं। तो मेरी वीडियो के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड थे वो मैंने सर्च करके नोट पैड पे जो है वो पेस्ट कर लिए हैं। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, इनको नोट पैड से सबको कॉपी करूँगी और अपनी डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट कर दूँगी।
एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमारे पास टोटल 5000 डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स होने चाहिए, तो मतलब हम 5000 वर्ड लिख सकते हैं, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2 या 3 हज़ार क्रॉस करें वर्ड्स, उससे SEO ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको टैग्स लिखने पड़ते हैं और हैश टैग के साथ कुछ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। जब आपने हैश टैग के साथ वर्ड लिखने हैं तो आपने उनमें स्पेस नहीं देनी, जैसे मैंने लिखा है हैश टैग न्यू ईयर एडिटिंग, तो इसमें मैंने स्पेस नहीं दी। बाकी आप जब ऊपर आपने टैग्स लिखे हैं तो उनमें आप स्पेस दे सकते हैं। अब टैग्स की बारी है, तो आप सिंपली वही नोट पैड पर जो हमने टैग्स लिखे थे वो वहाँ से कॉपी करके आप टैग्स में पेस्ट कर देंगे, टैग्स का जो ऑप्शन है ब्लॉक्स है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। लेकिन इसका मसला ये आएगा क्योंकि हमने टैग्स जो हैं वो कुछ कीवर्ड जो हैं वो ज़्यादा सर्च कर लिए हैं, तो जो और जो टैग्स की जो लिमिट है वो थोड़ी कम है, वो तकरीबन 500 होती है, तो ये क्या है, ये रेड ब्लॉक्स शो कर रहा है, तो जो हमारे इररेलीवेंट जो होंगे कीवर्ड्स वो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि हमारी जो लिमिट है रेंज है 500 की उसके अंदर अंदर ही रहे। अब हम सिंपली इसको सेव करके चेक करेंगे कि हमारी SEO इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर देखें अभी फ़िलहाल 0 हो रही है, हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारी चैनल की SEO यानी सॉरी वीडियो की जो SEO है वो तकरीबन 60 तक पहुंच चुकी है, जिसमें हमारे टैग्स इन डिस्क्रिप्शन, टोटल टैग करेक्टर और टोटल वर्ड इन डिस्क्रिप्शन वो हमारे कंप्लीट हो गए। टैग्स इन जो ये पहले दो हैं पॉइंट्स, ये भी हमारे मिसिंग है, अब हमने इनको कंप्लीट करना है और हमारी SEO 100 हो जानी है। उसमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा टाइटल है वो बिल्कुल भी अच्छा ठीक नहीं है, उसमें हमारे टैग्स यूज़ नहीं हुए हुए, हम लोग इसको चेंज करेंगे। एक चीज़ और, जो आपका टाइटल होता है वो आपने कोशिश करनी है उसको कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें, हैश टैग के साथ पेस्ट करें या सिंपली वैसे पेस्ट कर दें, और जो आप जो वीडियो जिसके आप रिलेट करें या जो आपको लगता है कि किसी की ज़्यादा व्यू वाली चैनल की वीडियो है आप उसके भी टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। इससे ये होता है कि जब कोई उस चैनल की वीडियो को ओपन करता है तो उसकी सजेशन में आपके चैनल की भी वीडियो शो होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मैंने सिंपल क्या किया, जो मेरे टाइटल में वर्ड है वो है डेली अपडेट, लेकिन जो टैग में है वो डेली अपडेट चैनल है, मैं इन दोनों को सेम करने के लिए डेली अपडेट जो है वो टैग लिख दूँगी और जो डेली अपडेट चैनल वाला टैग था उसे रिमूव कर दूँगी। ये दोनों सेम हो गए हैं, यानी टाइटल में जो टैग है और जो टैग्स में कीवर्ड गिवन है वो दोनों सेम हो चुके हैं। अब मैं इसको सेव करके चेक करूँगी कि क्या मेरी SEO इंक्रीज़ हुई है, तो ओके हमारी SEO इंक्रीज़ हो चुकी है, 80 तक पहुँच चुकी है, हमने 100 तक करनी है। अभी भी टैग्स इन डिस्क्रिप्शन और टैग्स इन टाइटल हमारे जो हैं वो 10-10 नंबर दे रहे हैं हमें, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ये नीचे देखें यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको शो होगा कि आपने कौन कौन से टैग्स लिखे हैं, ठीक है। आप किसी भी टैग पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस टैग की रेटिंग क्या है, कोई भी किसी भी क्लिक कर ले देखें उसके, फिर वो वॉल्यूम बताता है कि कितना सर्च वॉल्यूम है इस वर्ड का जो आपने टैग्स में लिखा है। ट्यूब बडी से आपको एक फ़ायदा ये भी होता है, आप किसी और चैनल की वीडियो जब ओपन करते हैं, किसी के भी चैनल की वीडियो ओपन करते हैं, तो आपको साथ में यही जो
डैशबोर्ड होता है, शो होता है, और आपको पता चलता रहता है कि उस आदमी ने या उस यूट्यूबर ने अपने टैग्स कौन कौन से लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से उसके टैग्स भी कॉपी कर सकते हैं। इसमें सिंपल मैंने अपना टाइटल जो है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि वो मुझे नंबर थोड़े दे रहा था, 10 दे रहा था, क्योंकि मेरे टैग वो टाइटल अच्छा नहीं था, तो मैंने थोड़ा टाइटल चेंज कर दिया है। और मेरे जो डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स थे वो बहुत कम थे, तो मैं क्या करूँगी, कीवर्ड्स और सर्च करके उनको अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूँगी, ताकि मेरी जो SEO है वो इंक्रीज़ हो जाए, 100 तक पहुँच जाए। ये मैंने कुछ और कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, अब जो मैंने एक्टर यूज़ की थी उसके रिलेटेड मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब मैंने सेव करके अब चेक करेंगे क्या हमारी SEO इंक्रीज़ हुई है या नहीं। तो लो जी, हमारी SEO 100 तक पहुँच चुकी है, मतलब हमारे जो कीवर्ड्स थे, जो डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल, वो सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल ठीक हमने लिखा है। ट्यूबडी टूल, जिसे हम फ्री में जो है बिल्कुल इजीली हम अपना जो है वो SEO जो है यूट्यूब चैनल की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि चैनल की SEO कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।